आप जब मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपने जरूर एक गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं। क्योंकि आप जब सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन में काम करके, डाटा एंट्री का काम करके आप पैसा कमा लेंगे, या आप इंटरनेट के अंदर सर्च कर रहे हैं उसकी वजह से आप मेरे इस वीडियो को देख पा रहे, तो मैं आपको बता दूं, अभी के टाइम में इंटरनेट के अंदर जितने भी वेबसाइट है जो बताते डाटा एंट्री करके पैसा कमाने का बात, वो सब फ्रॉड वेबसाइट है। आपको विश्वास नहीं है तो यूट्यूब में आप एक बार सर्च कर सकते हैं डाटा एंट्री फ्रॉड, तो आपको पता चल जाएगा यूट्यूब के अंदर से कितने वीडियो है जिन लोगों ने अपने पैसा देके अपना पैसा भी बर्बाद किया, टाइम भी बर्बाद किया, उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं मिला। तो जो डाटा एंट्री का जो टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जो है, जो एज ग्रुप होता है 18 to 25, इसके अंदर हम लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत होता है, पैसे की सब कुछ ज़रूरत होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में कोई काम करके पैसा कमा लेंगे। तो जो इस टाइम में ऐसे जितने भी वेबसाइट होते हैं उन लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं डाटा एंट्री के नाम पे, उन लोग एक चार्जेस लेते हैं 300 हो 200 हो, कोई कोई वेबसाइट 1000 भी लेते हैं चार्जेस, लेके बताते हैं कि हम लोग आप लोगों को काम देंगे डाटा एंट्री करने का, आप लोग डाटा एंट्री करके देंगे तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ऐसे खराब वेबसाइट, ऐसे जो वेबसाइट होते जो ओनर होते, इंडिया के ज़्यादा नहीं होते, बाहर के होते, या इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे वेबसाइट बनाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो टारगेटेड जो पीपल होता है, और ऐसे कि गूगल भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट देता है कि आप जब यूट्यूब में सर्च करेंगे कि हाउ टू अर्न मनी, तो वहाँ पर दूसरा वीडियो भी आता है डाटा एंट्री करने का, वो गूगल का एडवर्टाइजमेंट होता है, मीन्स दूसरा कोई कंपनी गूगल को एडवर्टाइजमेंट देता है तभी गूगल शो करता है। और एक जो प्रॉब्लम है अभी का, जो प्रॉब्लम हो रहा डाटा एंट्री का, ये इतना हद तक बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट को भी कोई स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे बहुत से वेबसाइट है ऑनलाइन में जो ऐसे फ्रॉड कर रहा है, ऐसे कि 99% वेबसाइट है जो फ्रॉड कर रहा है। पहले ये चीज़ ऑफलाइन होता था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था क्योंकि ऑफलाइन उतना पॉसिबल नहीं है हर किसी के साथ कॉन्टैक्ट करने का। बट जो यूट्यूब है, इसके अंदर कुछ यूट्यूबर है, कुछ चैनल है जो ऐसे वीडियो बनाते हैं इस वेबसाइट पे ज्वाइन करने का, या उन लोग सोच के बनाते हैं या उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके बनाते हैं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों के वजह से ये जो चीज़ है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से यूट्यूबर है इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं कि ये जो चीज़ है फ्रॉड है, बहुत लोगों का हेल्प करता है, बट जो क्वांटिटी है बहुत कम है, बहुत कम लोग ही इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, क्योंकि जो लोग वीडियो बनाते हैं एक उन लोग स्पॉन्सरशिप लेते इसके वजह से बनाता है, या बहुत से लोग व्यू पाने के लिए ऐसे टाइप का वीडियो बनाता है, क्योंकि जो अर्निंग का जो टॉपिक होता है वो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक होता है, हर कोई सर्च करता है, और इसका जो एज ग्रुप होता है वो 17-18 से स्टार्ट हो जाता है, तो इसका जो सर्च करने का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से ऐसा वीडियो चल भी जाता है और बहुत से लोग अपना पैसा भी बर्बाद कर लेता है। तो मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ पूरा, मेरे सामने जितने भी ऐसे फ्रॉड वेबसाइट मैं ढूंढ के निकाल पाऊंगा सबके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो जो यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो बनाता है मैं उनका चैनल भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप ऐसे कोई भी काम ना करें। तो मैं नहीं चाहता हूं किसी का पैसा ऐसे बर्बाद हो, मैंने भी ऐसे बहुत से वेबसाइट पे साइन अप किया है, इसके वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, और बनाने का मेन रीजन है मैंने आज कुछ ऐसे यूट्यूब में बहुत से वीडियो देखा है जो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, बट वो गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट वेबसाइट के नाम पे ऐसे फ्रॉड हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। गवर्नमेंट का भी डाटा एंट्री का वेबसाइट था पहले, अभी ओपन नहीं होता है, बहुत दिन पहले ऐसे वेबसाइट बनाए गए थे, बट उसमें भी डाटा एंट्री का काम होता था, अभी वो वेबसाइट ओपन नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के नाम पे भी ऐसे बहुत से वेबसाइट चल रहा है जो दूसरा कोई चला रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है। और जो एक कॉमन चीज़ है, कोई भी वेबसाइट हो आपसे पैसा मांगता है डाटा एंट्री करने के लिए, वो फ्रॉड है। डाटा एंट्री के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं होता है, आपको काम मिलेगा, आप काम कंप्लीट करके दोगे आपको पैसा मिलेगा। तो जो फ्रीलांसर वेबसाइट है, मैं उनके बात नहीं कर रहा हूँ, वो जेन्युइन है, बट वहाँ पर काम मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करता है। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि कोई और वेबसाइट ट्राई कर लेते हैं गूगल के अंदर, तो गूगल के अंदर सर्च करने पे ऐसे बहुत से वेबसाइट आते हैं, बट सेम सारे वेबसाइट का जो थीम या जो प्रोसेस है सेम है, आप मुझे पेमेंट कीजिए, मैं आपको आईडी दूंगा, उसके बाद आप काम कर पाएंगे। और एक जो मेन चीज़ है आपको मैं बता दूँ,
ये जितने भी वेबसाइट होते हैं ये पेटीएम में रजिस्टर करते हैं, या ऑफलाइन भी आपको कोई एसएमएस आता है तो उन लोग बताएंगे आप लोगों को ये मेरा पेटीएम बैंक का आईडी है, यहाँ पर आप पेमेंट कीजिए, करने के बाद एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको हम लोगों को मेल कीजिए, हम लोग आपका आईडी को एक्टिवेट कर देंगे। ये जरा सर फ्रॉड है, ऐसे कोई भी स्कीम में आप मत जुड़िए, मत ज्वाइन कीजिए। और तो मैं वीडियो लाने वाला हूँ पूरा सीरीज, जितने भी वेबसाइट मुझे मिलेगा फ्रॉड वाला, मैं सारे वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और जितने भी यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं उनका चैनल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइज मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा देख के काम कीजिए, और एक जो मेन चीज़ है आपको स्किल लर्न कीजिए। ऐसे भी बहुत से स्किल आ गए, एंड्रॉयड डेवलपिंग सीख सकते हैं, वेब डिज़ाइन हो गया, ऐसे बहुत से चीज़ है जो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ कीजिए, उसको सीखिए, तो आप लोगों को बहुत से काम मिल जाएगा ऑनलाइन पे, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। डाटा एंट्री उतना प्रॉफिटेबल अभी नहीं है, पहले के टाइम के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सब जितने भी वेबसाइट है सब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड है। तो आप थोड़ा जो सर्च करते हैं गूगल के अंदर, थोड़ा सोच के सर्च कीजिए, इससे शायद आपका ही थोड़ा प्रॉफिट होगा।